तेजस्वी यादव वैसे तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम बन चुके हैं, लेकिन आप यूं कह सकते हैं कि जब भी मैदान में उतरते हैं तो शेर शेर आया के नारे लगते हैं। ये वही नारेबाजी है जैसे भारत जोड़ो के पहले सत्र में राहुल गांधी मैदान में उतरे थे तो उन्हें शेर आया की तरह नारा लगाया गया था। लेकिन ये नारा क्यों लगा? क्योंकि पटना में ईडी ने अपने कार्यालय पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। पूछताछ के लिए क्यों? जॉब लैंड फोर्ड जॉब एस्केप मामले में 30 जनवरी को राजद के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से करीब 8 घंटे तक 50 से अधिक सवाल पूछे गए। वहीं जब पूछताछ खत्म हुई तो बाद में पूछताछ के बाद जब ईडी दफ्तर से बाहर आए तेजस्वी यादव तो उनके पार्टी के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। और इस मौके पर सबसे खास बात तो ये देखने को मिली कि सीआरपीएफ के जवानों ने तेजस्वी यादव के साथ सेल्फी ली। अब इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में राजद समर्थक तेजस्वी यादव के बाहर निकलते ही शेर आया के नारे लगाने लगे। राजद ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले का वीडियो शेयर करते हुए अपने विरोधियों को आड़े हाथ लिया और पोस्ट में लिखा कि एक नेता की पॉपुलरिटी का इससे बड़ा पैमाना नहीं हो सकता कि जिस ईडी दफ्तर में तानाशाहों के नेता और उनके समर्थकों को रोकने के लिए सीआरपीएफ जवानों को लगाया गया वही जवान उस नेता के बाहर निकलने पर सेल्फी लेने के लिए टूट पड़ते हैं। आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। लेकिन सवाल एक भी उठ रहा होगा आपके मन में कि बाहर आने के बाद तेजस्वी के चेहरे पर शिकन भी नहीं दिखाई दी, उनकी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग दिख रही थी। तेजस्वी से जो सेल्फी ले रहे जवान थे उनके बारे में भी खूब चर्चा हो रही थी। और कुछ ही मिनट बाद जब तेजस्वी यादव बाहर आए तो गाड़ी में बैठकर वहां से रवाना हो गए। इससे पहले उनके बड़े भाई तेज प्रताप बिहार सरकार के पूर्व पर्यावरण मंत्री हैं, वो और उनकी बहन मीसा भारती भी दफ्तर के बाहर पहुंची और तेजस्वी का वेट कर रही थी। बड़ी संख्या में राजद कार्यकर्ता उनके कार्यालय के बाहर मौजूद थे, डटे रहे। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर से रोहिणी आचार्य उनके समर्थन में पोस्ट पर पोस्ट किए जा रही थी सोशल मीडिया पर। लेकिन रोहिणी आचार्य जो लिखी है वो कहती है कि एक सुर में बोले जनता, तेजस्वी ही आप उनको मांगता। इसके अलावा दूसरा पोस्ट करती हैं और वो लिखती हैं कि जलवे हैं ऐसे जननायक की छवि है जैसे। लेकिन जलवे तो हैं, सवाल ये कि आखिर तेजस्वी यादव से पूछताछ क्यों हुई? सवाल ये भी उठता है कि क्या किसी सुरक्षा कर्मियों को अपने ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह के नियम के उल्लंघन का इजाजत है क्या? क्या सुरक्षा कर्मी किसी नेताओं के साथ इस तरह से सेल्फी ले सकते हैं क्या? अगर वही सेल्फी लेने लगे, अभी खुद तेजस्वी यादव आरोपी हैं और क्या ये पहली बार मिले हैं? कोई स्टार है? अगर स्टार भी होते तो भी एक सीआरपीएफ के जवान को सेल्फी लेना सख्त मना है कि आप किसी भी नेता या स्टार को अपने ड्यूटी के दौरान सेल्फी ले और इस तरह से हुड़दंग मचाए जैसे कि कोई आम जनता अपने फैंस के फैंस हो और उनका स्टार वहां पर पहुंचा। नियम क्या है पहले सीआरपीएफ के वो जान लीजिए, उसके बाद आपको तेजस्वी यादव से जिस मामले में पूछताछ हुई उसके बारे में बताएंगे। सीआरपीएफ के जवानों के लिए नियम है कि विवादास्पद बयान न दें, राजनीतिक मामलों पर भी टिप्पणी ना करें, ऐसी कोई भी इजाजत नहीं है। व्यक्तिगत अगर उनका कोई शिकायत है तो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें, उसका सहारा तक ना लें। कर्मियों को अगर गुस्सा आता है, द्वेष है कोई भी घटना को लेकर, शराब के प्रभाव में अगर ऑनलाइन कुछ भी लिखते हैं या पोस्ट करते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। किसी के साथ धौंस नहीं जमा सकते, भेदभाव करने के लिए भी रूल बनाया गया कि आप भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसा करना CCS आचरण नियम 1964 का उल्लंघन है। यदि कोई भी अर्धसैनिक बल के कर्मी इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसी कड़ी में एक और नियम को जोड़ दीजिए, वो है ड्यूटी के दौरान किसी भी नेता या सेलिब्रिटी से सेल्फी नहीं ले सकते सीआरपीएफ के जवान। ऐसे में कानूनी कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो बाद की बात है और ये बात का सवाल उठता है। लेकिन जो भीड़ है उसको लेकर सबके मन में ये सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी से सेल्फी लेने की भीड़ क्यों? ईडी ने तेजस्वी यादव से जो सवाल पूछे उसके बारे में आपको बताते हैं। जिस कंपनी का नाम ईडी ने लिया उनसे पूछा कि वो उस कंपनी को कैसे बने, उनके मालिक कैसे बने और कब बनी वो कंपनी, इसके बारे में आप बताइए। जब आप नाबालिग थे तो कंपनी के बनने के कुछ साल में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ, कमाई का सोर्स क्या है? नाबालिग से बालिग होते ही 21 से 22 साल की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ा?
160 करोड़ का आलिशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम महज कुछ ही लाख में कैसे कर लिया, अपने करोड़ों रुपए कहां से कमाए, ये सारे सवाल, इसके अलावा भी और भी कई सारे सवाल थे। कुल मिलाकर अभी जो बताया जा रहा है कि 50 से 60 सवाल तेजस्वी यादव से 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई और उसमें पूछा गया। जिस सवाल को लेकर ईडी ने फोकस किया वो सवाल था तेजस्वी के नाबालिग रहते हुए लैंड फॉर स्कैम का मामला दर्ज हुआ था। ईडी ने जब ये सवाल पूछा तो तेजस्वी ने तर्क दिया कि जब घोटाला हुआ तो वो नाबालिग थे। नाबालिग का तर्क इसलिए क्योंकि 2004 से 2009 के बीच घोटाले का जिक्र है और नवंबर 1989 में तेजस्वी का जन्म हुआ था, ये उनके सर्टिफिकेट पे बताया गया है। इस हिसाब से अगर देखें तो जो घोटाला हुआ उस वक्त तेजस्वी यादव 14 से 15 साल के थे और वो नाबालिग थे। लैंडफॉर जॉब घोटाला आखिर है क्या? 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव यूपीए के कारका लेक में रेल मंत्री थे। लालू के मंत्री रहते हुए रेलवे के ग्रुप डी में भर्तियां की गई, अभ्यर्थियों से नौकरी के बदले में घूस में जमीन ली गई। लालू परिवार को 7 जगहों पर जमीनें मिली। ईडी ने अपने चार्जशीट में इस बात का जिक्र किया है। लालू प्रसाद पर के पूरे परिवार पर 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। लैंडफॉर जॉब घोटाले में सोमवार को बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछताछ की थी और उसके बाद उनसे 8.5 घंटे तक पूछताछ की गई और उसके तेजस्वी से पहले लालू प्रसाद यादव से भी पूछताछ की गई थी। 30 जनवरी को पटना के स्थित कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। इससे पहले 10 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी। लैंडफॉर जॉब मामले में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में जो पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें कारोबारी अमित कात्याल, लालू प्रसाद यादव, उनके पत्नी राबी देवी, बेटी मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को आरोपी बनाया है। इस मामले में ईडी और सीबीआई दोनों अलग अलग जांच कर रही है। सीबीआई मामले में 3 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है और इसी वजह से तेजस्वी यादव पटना के ईडी ऑफिस पहुंचे थे और उस दौरान उनसे पूछताछ के बाद जब वो बाहर निकले तो सीआरपीएफ के जवान भी सेल्फी लेने लगे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।